आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है यानी जन्म तिथि लिखी होती है सभी के आधार कार्ड में होती है, इसकी मान्यता को अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा मामला क्या है इसको डिटेल में समझेंगे ताकि आपके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है उसकी मान्यता को कैसे खत्म किया गया ये आपको समझ में आ सके। साथ में इसको इंपॉर्टेंट दस्तावेजों की सूची से भी हटा दिया गया है आधार कार्ड को। ठीक है, तो आधार कार्ड के बारे में जो है पूरा डिटेल हम समझेंगे कि क्या किया गया। पहले ये पॉइंट पढ़िए, अब आधार कार्ड में लिखे जन्म तिथि की मान्यता को खत्म कर दिया गया है। जन्म तिथि के प्रूफ के लिए 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता होगा ज्यादातर जगहों में 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट ही लगता था जब आधार कार्ड नहीं आया था तब, और अब फिर से यह कहा गया है कि आधार कार्ड में लिखा जन्म तिथि मान्य नहीं होगा, उसकी मान्यता खत्म हो चुकी है। 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट आप एज डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2018 में एक फैसला आया था, इस फैसले को देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि किसने खत्म की है क्या हुआ है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक फैसला सुनाया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। ठीक है, फिर भी कभी कभी ये न्यूज हम देखते हैं कि आपका बैंक खाता जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए वरना आपका बैंक खाता जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें आज भी हम देखते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला था इसकी जरूरत नहीं है। यूजीसी, सीबीएसई, निफ्ट और कॉलेज आदि संस्थान आधार कार्ड पर लिखे नंबर की मांग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं किसी भी कोचिंग में, किसी भी संस्थान में, है ना, चाहे आप कहीं भी जाए, वहां पर आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आपका आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो हम आपको जो है यहां पर एडमिशन नहीं देंगे, ये सारी चीजें भी कही गई थी। स्कूल में एडमिशन के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल जरूरी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह भी बोल दिया था। सरकारी योजनाओं का लाभ देने से मना करने के पीछे इस तथ्य को कारण नहीं बनाया जा सकता कि बच्चे का आधार कार्ड अपडेट नहीं है। आप जाते होंगे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, वहां पर आपको बोला जाता है कि जो है आपके आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया था कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आपको लाभ लेना है तो आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए बच्चे का, अगर नहीं है तो नहीं देंगे लाभ, ऐसा भी नहीं कहना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। निजी कंपनियां यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको इस बेसिस पे वहां से नहीं चलता किया जा सकता कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। अब यहां पर आगे समझते हैं कि अभी का जो मैटर है वो क्या है। देखिए, अभी फिलहाल ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये बयान जारी कर दिया गया है कि जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड की मान्यता को खत्म कर दिया गया है। किसने बोला है? ईपीएफओ ने बोला है। ठीक है, आधार कार्ड को ईपीएफओ के मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से भी पूरी तरीके से हटा दिया है, यानी कि ईपीएफओ ने यह घोषणा की है कि आधार कार्ड अब मान्य दस्तावेज नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसको हम लोग किसी भी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में मान्यता नहीं देंगे, और अगर किसी डॉक्यूमेंट का आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है या अपडेट करवाना है तो आप आधार कार्ड के जन्म तिथि के हिसाब से नहीं करवाएंगे, अगर आप करवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ऐसा ईपीएफओ ने बोला है। ईपीएफओ ने यह बोला है कि जन्म तिथि के लिए प्रूफ के लिए 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है जो बिल्कुल वैध होता है। किसी सरकारी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से जारी हुई रिजल्ट यानी अंक तालिका भी इस काम के लिए आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात यह है कि स्कूल छोड़ने के टाइम पे जो आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है, साथ में ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके माध्यम से भी आप जन्म तिथि में बदलाव कर सकते हैं, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि में बदलाव करवाना है तो। आधार कार्ड की मान्यता खत्म कर दी गई है ईपीएफओ के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगर सिविल सर्जन ने ऐसा कोई मेडिकल प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया है जिसमें जन्म तिथि लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो उसे भी ईपीएफओ मान्यता दे देगा। साथ ही पासपोर्ट, पैन नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पेंशन दस्तावेजों को भी मान्यता प्रदान की गई है। आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र और निवास स्थान के प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा ईपीएफओ ने क्लियरली बोला है। यानी कि आप निवास प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा आधार कार्ड में एड्रेस भी लिखा होता है हमारा, वो मान्य है, वो बिल्कुल मान्य है। पहचान पत्र, उसमें हमारी फोटो रहती है, नाम रहता है, सब कुछ रहता है, पहचान पत्र के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं, बट जो डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा हुआ है उसको आप, उसकी मान्यता को खत्म कर दिया गया है ईपीएफओ के द्वारा। ठीक है, तो ये जो पूरा अपडेट था ये आपके लिए काफी जरूरी अपडेट था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।